सपोटरा क्षेत्र में इन दिनों कच्छा बनियान गिरोह से जुड़ी अफवाहों से फैली दहशत के बीच डीएसपी मुंशी लाल ने लोगों और सीएलजी सदस्यों की बैठक की और कहा कि कच्छा बनियान गिरोह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई आसबीन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक ने पुलिस को बताया है कि आसमीन से उसके प्रेम संबंध थे, जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये भोजपुर थाने में एक मर्डर हुआ था, गांव रुस्तमपुर तिगरी में एक महिला की हत्या हुई थी गला घोंटकर, जिसमें महिला का एक जानने वाला व्यक्ति है जिसका नाम नदीम है, इसके द्वारा घटना करना कबूला गया है और इसके द्वारा ये कन्फेस किया गया है कि इसके महिला से लगभग 3 से 4 साल से संबंध थे और महिला से ये शादी करने के लिए बोलता था, महिला द्वारा शादी से इनकार भी किया जाता था और जब इसके द्वारा ये कहा जाता था कि मैं दूसरी जगह शादी कर रहा हूँ तो भी महिला को महिला द्वारा इसको दबाव में लिया जाता था और ये बोला जाता था कि मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूँगी और पुलिस से या अन्य चीज़ों में फंसवा दूँगी, और संबंध के दौरान ही इसके द्वारा समय समय पर अलग अलग धनराशि उस महिला को उधार के रूप में दी गई थी जिसको ये वापस मांग रहा था, तो वो भी उसके द्वारा वापस नहीं की जा रही, तो इन सब चीज़ों से तंग आकर इसने प्री प्लांट तरीके से महिला का मर्डर किया और गला घोंटा था गमछे से, जो कि गमछा घटना के दिन ही वहाँ से बरामद हुआ था घटना स्थल से, और इसकी निशानदेही पर घटना के समय पहनी गई पैंट भी बरामद की गई है और इनके द्वारा घटना को कन्फेस किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, ये लड़का कहाँ का बताया जा रहा? ये बंका वाला गांव है थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र में, ये वहाँ के रहने वाले हैं और इनके सगे मामा की लड़की की शादी में मृतका ने सहयोग किया था, तब से इनकी ये जान पहचान बढ़ी थी उस महिला से और उसी के बाद से इनका आना जाना घर में हुआ और आगे की बातें बढ़ी। सर, वारदात वाले दिन ये किसी सवारी से आए थे या कैसा आना हुआ है? ये ट्रक चलाते हैं और ये रुद्रपुर में किच्छा में इन्होंने फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़ी की और उसके बाद इन्होंने रोडवेज की बस पकड़ी और ये ठाकुर द्वारा इधर काशीपुर ठाकुर द्वारा होते हुए ये भोजपुर आए थे, फिर यहाँ से ये पैदल जो है घटनास्थल तक गया था। पीलीभीत के बरखेड़ा में भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने शिरकत की और भाजपा की योजनाओं का बखान किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति गंभीर है, वहीं कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला हसनपुर से सामने आया जहां छुट्टी के दिन भी बिजली दफ्तर खुलते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आपने ये कैश काउंटर आज खोल रखा, संडे है, क्यों खोल रखा है? जी, मेरे पास बाबू का फोन गया था कि कैश काउंटर खुलेगा, अपना आ गया। संडे की छुट्टी होने के बावजूद जी, जैसा ऑर्डर हुआ था उसका मतलब। कौन ऑर्डर करता है? मैं तो बाबू ने फोन करा था। कौन है बाबू? दीपक जी ने। हैं? दीपक बाबू। दीपक बाबू यहाँ क्या किस पद पे है? वो एचडीएफसी वो बाबू का कार्य देख रहे हैं जी, पीछे के। तो उनके आदेश पर जो कैश काउंटर खोल रखा आपने संडे में? कह रहे कि साहब ने फोन करा है। कौन से साहब ने फोन किया? एचडीओ साहब ने। एचडीओ का क्या नाम है? आप किस पद पे हैं? मैं उखंड लिपिक का कार्य। तो आपको संडे के दिन जो है यहाँ किस काम के कार्य किया जा सकता है? वो आई टी सर की, इसलिए ऑफिस खुला दिया। आई टी साहब ने आपको आदेश दिया। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और मसूरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, इस दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, 25 तारीख को एक ट्राला पेरिफेरल से लूटा था जिसमें 25 टन से थोड़ा सा ज़्यादा सरिया था और इसे कासना क्षेत्र में डाल गए थे। इसमें बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक अभियुक्त जो कि इसमें मेन मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी की गई और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये सरिया जहाँ बिका उसकी जानकारी की गई और सरिया और ये क्योंकि ट्राला उसी दिन बरामद हो गया था और जिस कार से ये लूटा था वो कार इनसे बरामद की गई है
और पूरा का पूरा। हसनपुर क्षेत्र के रेहरा रोड पर ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत जबकि दो युवक घायल हो गए। वहीं हादसे को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बुधिया जी, कैसे कैसे हुआ, क्या कैसे पता लगा आपको? हम टेम्पो में है पीछे, आप ये बाइक पर हमारा आ गया, रोड पर भीड़ लगी थी, मिली हमें टेम्पो वाले से, टेम्पो रोक लो भैया, तो हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हमारे भाई ने टेम्पो रुकवाया, तब क्या हुआ, तो मैं जब मेरे क्लिन कभी उठ गई, एकदम मैं दो नंबर गाड़ी पहुँच गई थी, जो उठा कर लेके आए गाड़ी में, मेरे साथ इनके जब गई। तो ये आपको लेने गए थे? हाँ, आज मुझे लेने गए थे अस्पताल में, अस्पताल से मुझे दिया 11 बजे आकर लगे बैठी बड़े चीज़ों घर से, बड़े चीज़ों घर से निकले हम, ज़्यादा जाते हम लगते एक डेढ़ बजे, ज़्यादा क्या कितना मिल रहा होगा, जैसे हम निकले हम वहाँ से आगे सही, भाई बोले कि चल तू अपना अवेयर हो जाएगी, बहुत तीन चल। कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ? कौन सी जगह हुआ एक्सीडेंट? हकमपुर। किसने किस किस से हुआ है? एक बाइक थी, तीन गाड़ी थी, मिली थी। अब इनकी क्या हालात है? इनका तो भाई को तो होश है और एक खत्म हो गई है, एक को पता नहीं कैसे। बांदा जिला अस्पताल में इस समय मरीजों के लेटने के लिए बेडों की कमी पड़ रही है। डॉक्टर विनीत सचान ने बताया कि मौसम के तहत बुखार, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त के मरीज आ रहे हैं, जिसके कारण यहां पर 100 बेडों के अलावा 35 बेड और डलवाए गए हैं। क्या नाम है आपका? रमा शंकर। कहां से आए हैं? शांति नगर सार बांदा। कौन है ये? वाइफ है। तो क्या बेड नहीं मिला क्या आपको? बेड खाली नहीं थे बता रहे हैं, तो कहन लगा देते हैं जब तक दिक्कत कम हो जाए। कितनी देर भर्ती है? अब ये तो नहीं बता सकते, अभी 10-15-20 मिनट। अच्छा, बेड बिल्कुल खाली नहीं है? बेड कोई खाली नहीं बता रहे। डॉक्टर साहब से पूछा? डॉक्टर साहब के पास जाए, वहाँ फिर कुछ उनको ढूंढा जाए, कहाँ वो मरीज देख रहे हैं। जहांगीराबाद में ईद उल अजहा और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के चलते नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर ईद के पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। करौली एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर जिले भर के थानों की पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों से समझाइश कर रही है, साथ ही मॉब लिंचिंग से बचने के लिए लोगों से अपील भी कर रही है। देवरिया के सरयू नदी में डूबने से एक कांवड़िया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांवड़िया नदी के गहरे पानी में चला गया था और उसकी डूबने से मौत हो गई। रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर में पिछले एक साल से महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितने दिन से ना लेडी डॉक्टर यहाँ पर? एक साल से। एक साल हो गया। तो लेडी डॉक्टर की ना होने की वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? परेशानी यही कि इंसान आ रही है के टाइम तो लेडीज ही होना जरूरी है, जब लेडीज नहीं है तो कोई जेंट्स है तो। तो अब किसको दिखाते हो? अब तो जेंट्स को दिखाया, मजबूरी में दिखाना पड़ा, मजबूरी में परेशानी में जब आएगा परेशानी में आ रहा है तो करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। आप कब से एडमिट हो? मैं कल 6 बजे। क्या दिक्कत आ रही है? ये लड़का को बुखार है और उल्टी दस्त हो रहे हैं इसको। डॉक्टर आते हैं देखने? हाँ, डॉक्टर तो आते हैं देखने, पर लाइट की थोड़ी व्यवस्था सही नहीं है, जनरेटर नहीं चला। सिद्धार्थगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूटी गई बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुलजिमों ने जो एक विक्टिम है उसको किडनैप कर लिया था, उसको बोलेरो के साथ बैठा के उसको ले गए थे, और साथ ही साथ में जो ड्राइवर था उसको पीट के वहीं पर छोड़ के चले गए थे। ये काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी, जिसमें हमारे द्वारा यहाँ पर थाना सिद्धार्थगंज में FIR दर्ज की गई, तथा जो 4 टीमें गठित की गई थी, टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके कल कटंगरी मोड़ के पास से एक मुलजिम को और जो लूट में गई बोलेरो उसके साथ में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक पिस्टल भी बरामद की गई है, और चूंकि ये बहुत ही अच्छा खुलासा रहा है, केस बहुत अच्छे और बहुत जल्दी विद इन ए वीक ये वर्कआउट हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए DIG महोदय के द्वारा और SSP साहब के द्वारा भी इसमें इनाम की घोषणा की। चढ़ावल पुलिस ने पिछले दिनों जाहिद के घर पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चोर को सामान सहित गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या चुराया था? फिर कहाँ से बरामद किया? किसको भेजा था आपने? और क्या क्या सामान था उसमें?
ये सामान कहाँ पर भेजा था आपने? जो इतनी चोरियाँ हो रही हैं क्या उनमें भी आपका हाथ है कोई? नहीं, ये केबल कट रहे हैं, और ये जो आपने बेचा सामान। यूपी के मऊ में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ नाग पंचमी को काल सर्प दोष की पूजा और रुद्र अभिषेक करने के लिए मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े। ये नाग पंचमी जो है कि शुक्ल पक्ष में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये नाग पंचमी जो है इतना उत्तम त्यौहार माना जाता है कि इसमें काल सर्प दोष का पूजन, पितृदोष का पूजन वगैरह जो भी कुंडलियों का दोष होता है इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत ही पुण्य का कार्य है और मंदिरों में भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। सुबह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सुबह से भक्त आ रहे हैं लगातार और पूजा पाठ कर रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में एक अज्ञात महिला की हत्या कर हत्यारों ने शव को रजवाही में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये थाना खुर्जा नगर में आज जब सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, सूचना पे मौके पर पुलिस गई है। वहाँ पर एक 27 और 28 साल के आसपास की महिला का शव मिला है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। पंचायत नामा करा दिया गया है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी और शव की पहचान। योगी सरकार में जहां एक और डीएम एसएसपी कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो वहीं अलहागंज थानाध्यक्ष कावड़ियों पर मुकदमा लिखवाने की बात कह रहे हैं।